चमत्कार हो गया। मेरे ऊपर बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद है, बजरंग बली का मैं भक्त हूं और बजरंग बली ने चमत्कार किया। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंग बली के सामने उनकी नहीं चली। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सोच रहा था मेरे को प्रधानमंत्री जी ने जेल क्यों भेजा। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मेरी पार्टी है, हमारी दो राज्यों में सरकार है, दिल्ली में पंजाब में। प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, पूरे देश के राजा हैं, फिर उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा। वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मोदी जी ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। मैंने बोला प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी मैं तो एक छोटा सा मुख्यमंत्री हूं, आप तो देश के राजा हो। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 50,000 स्कूल बनाओ ना देश में, तब तो आपका बड़प्पन है, गलत तो नहीं कह रहा? मैंने 500 स्कूल बनाए, आप 50,000 स्कूल बनाओ तब तो आपका। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के भी स्कूल बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खोल दिए नहीं खोल दिए? उसमें दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। मोदी जी ये बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में, आप देश के राजा हो, आप हर गांव में बनाओ, 500,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, पूरे देश में बनाओ, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल के भी बंद करना चाहते हो, यह तो ठीक नहीं है, गलत बात है। और दोस्तों ये विडंबना देखो जरा, मैंने आप लोगों की सबकी दवाइयां फ्री कर दी मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया तिहाड़ में इन्होंने 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद कर दी, मेरे को दवाई नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से शुगर है मेरे को और मेरी बहुत हाई रहती है शुगर, पकड़ा दिया वापस। मेरे को 20 साल से शुगर है और 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, रोज 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं इंसुलिन के, 52 मिनट इंसुलिन लेता हूं। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए, मैं गिड़गिड़ाया इनके सामने, मेरी शुगर बहुत बढ़ गई, 300 हो गई मेरी शुगर, 140 रहनी चाहिए। मैं डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे शरीर के साथ। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, फ्री बिजली मिल रही है नहीं मिल रही? मोदी जी बिजली फ्री रोकना चाहते हैं। और जितनी मेरी मां बहने हैं उनके लिए मैं बता दूं, बड़े इंतजार कर रही थी मेरा, मैं आ गया, अब आपके 1,000-1,000 रुपए महीना भी शुरू करूंगा बड़ी जल्दी, चिंता ना करना। मेरे को अंदर जेल में पता चलता था मेरी मां बहने बड़ी चिंतित हैं, वो इंतजार कर रही हैं यार केजरीवाल तो चला गया, पता नहीं हमारे 1,000 रुपए में मिलेंगे, जब तक केजरीवाल जिंदा है मिलेंगे आपके 1,000 रुपए। परसों आपने पता नहीं आज तक पे देखा नहीं देखा, आज तक पे मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा था, आज तक वालों ने पूछा मोदी जी से केजरीवाल दिल्ली में
महिलाओं को फ्री बस यात्रा देता है, आपको क्या कहना है? पता है मोदी जी ने क्या कहा? कहते हैं फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? जब जनता को चाहिए केजरीवाल दे रहा है, मोदी जी कौन हो गए बीच में? गलत तो नहीं कह रहा मोदी जी? बड़प्पन तो तब है, मैंने दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, आप पूरे देश की महिलाओं की यात्रा फ्री कर दो, आप महिलाओं की रेल यात्रा भी फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है। केजरीवाल की भी रोकूंगा मैं, रुकने नहीं दूंगा मैं, जो मर्जी हो जाए चिंता ना, रुकने नहीं दूंगा मैं, किसी हालत में नहीं रुक। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर है, देख लो आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया, अब कह रहे हैं अतीशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था, सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस, कह रहे 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, 54 नहीं मिली कहीं पे, कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए? कहां गए 100 करोड़? झूठे केस बना बना के, झूठे केस बना बना के। अरे प्रधानमंत्री हो यार, जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतनी महंगाई हो गई, कोई पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो, दूध के दाम कम कर दो, तब तो बड़प्पन है। सवेरे उठते हैं, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल, ये कोई प्रधानमंत्री की बात है? ये कोई बात है? ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए? मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं, आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, मुंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई, नहीं हो गई, कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों की, घर बैठे हमारे बच्चे। प्रधानमंत्री हो, कुछ रोजगार की चिंता करो, कुछ महंगाई की चिंता करो, तब तो बात है। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे को यही खत्म करना पड़ेगा, 10 बज गए, बड़ा स्ट्रिक्ट है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं, यहां पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है।
हाँ।